हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। और हमारे बात है संतोष शुक्ला, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट एंड बॉलीवुड एक्टर। अरे दबंग दबंग के विलन है भाई, कैसे भूल सकते हो। तो हेलो सर, कैसे हो आप फर्स्टली? तो बिल्कुल अच्छा हूँ और मजा आ रहा है। फिनाले करीब आ चुका है, तो अब आप समझ सकते हैं सबके पेट के अंदर वो ऐसी गुदगुदी मचनी शुरू हो चुकी है। वो माल चल रहा है अभी, और ख्याल से हिंदुस्तान में 80% लोगों का वैसे ही चल रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम लोग फिनाले के। 2 दिन बचे हैं बिग बॉस 13 के फिनाले। सवाल वही है कि मतलब आप शुक्ला हो, आप इसलिए शुक्ला सपोर्ट सपोर्ट भाई भाई चलना क्योंकि ऐसा बोलेगा। ये सब ये जो आते हैं नीचे, ये मिक्स फैंस आ रहे हैं आजकल मैंने देखा, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने माँ बाप के पैसों पर बात कर रहे हैं बुरी तरीके से। फेयर है ना, तो उनकी अपनी लाइफ है, पर तुम तो मत बोलो, तुम समझदार तो मेरा सवाल नहीं है सर, लोगों का सवाल है कि संतोष शुक्ला सर को ही सपोर्ट करते क्यों उनको बाकी। वैसा नहीं है, मैं सिद्धार्थ शुक्ला को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी गेम बहुत अच्छी लग रही है। मैंने सारे इंटरव्यूज में ये बात क्लियर की है, बहुत बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लैरिटी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ फिर कि सिद्धार्थ शुक्ला को मैं नहीं जानता, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ, हमने कभी साथ में कोई काम किया है। बट इस आदमी को मैंने जो बिग बॉस में इसकी जर्नी देखी है ना, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि बहुत ऊंची आवाज़ में लड़ाई झगड़ा करता है, बट मैं उससे सहमत नहीं होता, क्योंकि मेरा ये मानना है व्हेन सिद्धार्थ शुक्ला इज नॉट फाइटिंग देन ही इज मो चार्मिंग एंड मो चार्मिंग विद सना। मो चार्मिंग नॉट आई थिंक विद एवरीवन। माहिरा के साथ भी बहुत रोमांटिक आदमी है शुक्ला, रोमांटिक होते हैं। और मजेदार आदमी है, उसको जिस किस्म का एंटरटेनमेंट दिया है ना, आपने अगर देखा होगा बीच में सना के साथ मस्ती कर रहा था बहुत सारी, वो कितना मजा आया था, पूरा एक हफ्ता रॉक कर गया वो सिद्धार्थ शुक्ला। वो गेम देखने में मजा आ रहा था, उसकी टोटैलिटी में जर्नी देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि सुपर जर्नी है उसकी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, व्हेन यू आर इनसाइड द बिग बॉस हाउस नाउ देन यू हैव टू बिकम एंटरटेनर, नॉट ओनली फाइटिंग और इसकी माँ का और इसकी बहन का, उससे खाली पेट नहीं भरता। बस इस बार बट बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा लग रहा है आपको? ज़्यादा हो गया भाई, तो वो मेरे ख्याल से अभी मेकर्स के हाथ में होता है, कलर्स एंड बॉल के हाथ में है, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। बट मैं यार फैंस के बारे में थोड़ा ये ज़रूर, यहाँ पर अभी तुमने ये बात बोल दी है ना, तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि तुम लोग ये आसियन के फैंस हो, ये मेरा लुक बिल्कुल करेक्ट है ना जिधर देख रहा हूँ? ओके, सो ये जो आसियन के जो फैंस हैं और जो सिद्धार्थ के फैंस हैं, लोग आपस में इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इतनी तुम लोग आपस में मारा मारी, तुम लोगों ने सोशल मीडिया तोड़ मरोड़ दिया है, तुम लोग को इतना प्रॉब्लम है तो उधर बिग बॉस के सेट पे जाके धरना दो ना। अगर है इतनी पिछवाड़े में खबर तो तुम लोगों को लगता है इतनी ताकत है, इतना अंदर तुम्हारे गुबार है, हिंदू मुस्लिम भी इसमें डाले दे रहे हो, वैसे ही देश का जो माहौल है वो थोड़ा नाजुक चल रहा है, तुम लोग को बिल्कुल अकल नहीं है। ये अपने माँ बाप को बताओगे बंद करा देंगे तुम्हारा सोशल मीडिया जो ट्विटर इंस्टाग्राम जहाँ जाओ ना, ये सब बंद करा देंगे तुम्हारे माँ बाप। चोरी छुपे चलाते हो सालों रात को 1:30-2 बजे, उसके बाद तुम लोग ये सब हरकतें करते हो, अच्छा खासा मॉल का टास्क होने जा रहा है। ये आसिम के फैंस और सिद्धार्थ के फैंस वहाँ पे चिल्लाना चीखना बदतमीजी करना पुलिस वालों के साथ प्रशासन के साथ खिलवाड़ करना, व्हाट इज दिस मैन, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट बीन डन एट ऑल। मैं बिल्कुल सीरियस करता हूँ, मुझे नहीं लगता इस तरीके का बिहेवियर किसी भी फैंस का होना चाहिए। तुम लोग आसिम सिद्धार्थ से मरे जा रहे हो, अभी ये लोग बाहर निकलेंगे, एक थैंक यू का मैसेज या छोटा वीडियो डाल देंगे, हो गया तुम्हारा, उसके शायद घर पे भी बुला लेंगे, शायद घर पे भी बुला। नहीं नहीं यार, कौन बुलाता है यार, वही बातें करते हो यार, अभी इतना बड़ा बना दो कि बिल्कुल मतलब कि पूछो मत, घर पे एक ही आदमी बुलाता है वो है सलमान खान। वो सलमान खान ने जो अपने फैंस की बहुत इज्जत करते हैं और फैंस उनसे बेतहाशा प्यार करते हैं, और हर साल उनके जन्मदिन पर और ईद पर लाखों हज़ारों की तादाद में गैलेक्सी अपार्टमेंट और मन्नत के बाहर पहुँचते हैं। अच्छा सर, मैं तो है मतलब वो मुझे लगता है यार ना, ये फैंस मिसगाइड हो जाते हैं यार, इनको मिसगाइड नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये इसमें से 80% जो फैंस है ना, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका ऊपर का वाला भी बहुत नाजुक है, उसको जिधर मोल्ड कर दोगे उधर मोल्ड हो जाएंगे। आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए,
वो मॉल टास्क, मतलब लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो मॉल का टास्क है ना महेश, उसमें किसी को चोट लग सकती थी, कोई एक हादसा हो सकता था, कोई एक्सीडेंट हो सकता था। अभी अगर ऐसी चीज़ें हो जाती तो खुद सोचो उसका जिम्मेदार आप बिग बॉस को ठहराएंगे, बात आसिम और सिद्धार्थ को ठहराएंगे, लेकिन आप खुद गलतियां कर रहे हो, आप पैसे को मत चाहिए फैंस अपनी मर्यादा का, जिस तरीके से हमारे जो स्टार्स हैं, हम लोग अपना ख्याल रखते हैं कि हमको कहाँ किस हद तक जाना है, किससे कहाँ तक मिलना है, किससे क्या बात करनी है, ये फालतूगिरी नहीं होनी चाहिए यार कि तुम लोग मतलब पुलिस वालों के साथ झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी करने लगे हो। मुझे लगा था ऐसी नौबत आ जाएगी, मॉल बंद करना पड़ जाएगा, व्हाट द शिट इज दिस यार। अच्छा मतलब वो तो मॉल टास्क हो गया सर, लेकिन अभी बिग बॉस के फिनाले के बाद क्या सीन होने वाला है, क्या लगता है आपको इन केस अगर आसिम जीत? नहीं, मतलब दोनों इनके आसिम जीतता तो सिद्धार्थ के फैन नाराज हो जाएंगे। नहीं, वैसा कुछ तो होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मैं घोर निंदा करता हूँ। समझ रहे हो ना, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। और देखो अभी ये क्या है, गेम है यार, इसको स्पोर्टिवली लो यार, ऐसी हरकतें मत करो कि ऐसा लगे कि एकदम कुछ भी तुम लोगों ने चमड़ी गिरी शुरू कर दी और वो कुछ भी ऐसा लग रहा है, अजीब सा हल्का सा कुछ का शो चल रहा है। इतना बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म है, वो लोग जो लोग अंदर हैं, जिसको भी जीतना है, जिसके नसीब में होगा, जिसको फैंस जिताएंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतने वाला है। मेकर्स कलर्स डिसाइड करेगा, एंड बॉल डिसाइड करेगा। अब उसमें ये जीत गया तो जो नहीं जीता उसके फैन नाराज हो जाएंगे, वो जीत गया तो उसके फैन नाराज रहेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस जो इन लोगों के दिमाग में है वो बिल्कुल गलत है भाई। अच्छा बोले नीचे भाई, आप सिद्धार्थ को फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग से, आपका फेवरेट रहा है, तो कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहोगे जो सिद्धार्थ के बिग बॉस के जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? यार वो टच कर गया था बहुत ज़्यादा जब वो उसके घर से लेटर आया था, और वो ऐसा लगा कि यार ये भीम का आदमी है, हिमालय पर्वत जैसा पहाड़ आदमी, और सीने जो दिल है वो बच्चों जैसा दिल है, और वो बिल्कुल टूटता नहीं है। मैंने उसको बहुत ही कम शो में टूटते हुए देखा है, बाकी बहुत सारे लोगों को टूटते हुए देख लिया। वो उसकी माँ के साथ जो है वो एक सीक्वेंस था जब उनकी मदर अंदर आई थी और वो कुछ बता रही थी उनको कि हमारे मामा चाचा के बच्चे कॉल कर रहे हैं और वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार जब आएगा तो हमें मिलवाना। वैसे करते करते वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो इमोशन हो गया, रोने लग गया। मैं थोड़ा रिलेट कर पाता हूँ इससे, बिकॉज उनके फादर नहीं है इस दुनिया में, मेरे भी फादर नहीं है, तो वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था। मतलब ऐसा लगा था टीवी में घुस के गले लगा लूँ, वो माँ और बेटे दोनों, ऐसा अंदर से फील आए। बट ठीक है, गेम है, शो अभी भी कमेंट्स में लगे हुए हैं, आसिम आसिम सिद्धार्थ सिद्धार्थ, क्या कहना चाहोगे जो फैंस आपको देख रहे हैं लाइव? फैंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम, और कोशिश करो कि किसी को भी कुछ उल्टा। अभी अभी किसी ने कहा है, अभी किसी ने कहा है आसिम इज फेक, बच्चा है वो अभी। अब ठीक है, बच्चे बच्चे ही मशवरा करते हैं, तो उसका कोशिश एनी वेज। मेरा नाम मैंने उसको देखा और मैंने आपको पहले बोल दिया सीजन 6 के बाद ये सीजन आप उठा कि चेक कर लेना कहीं भी नहीं। आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट एनी बिग बॉस। सिद्ध को बोले अब्यूज ना करें। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, सब अब्यूज करते, कौन नहीं करता है, वो घर ही ऐसा है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, समीकरण बदलते रहते हैं उस घर के अंदर, माहौल बदलता रहता है। वो अभी आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम, और कोई बोल रहा है कि संतोष जी आपने क्या तीर मार लिया? हाँ मैंने तो तीर नहीं मारा ना, मैं तो खुद बोलता हूँ भाई मैंने तीर नहीं मारा, क्योंकि वहाँ हमारे जो सीजन 6 था उसमें कोई यहाँ तक नहीं आया था, कोई यहाँ तक नहीं आया था। इमाम था, उसकी भी एक हद थी, उसको भी समझा दिया था मैंने कि भाई मैं ऐसे मत भिड़ना, तो उसके बाद कभी नहीं भिड़ा था। लेकिन यहाँ तक अगर इस सीज़न में या हमारे सीज़न में कोई आता तो उठा के फेंक देता मैं, जितने भी कैमरे थे ढूंढते रहते गायब हो गए। शुक्लाओं में बहुत ताकत है मेरी जान, हल्के में मत लेना, वैसा है। और बाकी यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना है यार कोई पूछ रहा है कि सिद्धार्थ को क्या करना चाहिए, मूवी या शोज? नहीं नहीं सिद्धार्थ को मेरे ख्याल से टेलीविजन शोज में बहुत अच्छे अच्छे मेन लीड्स करने चाहिए, जैसे वो करते आए हैं, और बिल्कुल भी इसमें फंसना नहीं चाहिए कि अब तो मैं क्या होता है, ये शो आपको सडनली बहुत बड़ी पॉपुलरिटी देता है,
आप हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं और 3-4 महीने का राइड है, उसके बाद वो राइड धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और उस 3-4 महीने के जो आपका जो पीरियड है टाइम का, उसमें आप कई बार गलत डिसीजन लेंगे कि अब तो मैं ये नहीं करूँगा, अब तो वो नहीं करूँगा। मैंने भी कुछ गलत डिसीजन लिए थे, आज मुझे लगता है कि वो गलत था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसको प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि आप सिर्फ फिल्में करें। आज उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो पॉपुलरिटी उनको मिली है, वो टेलीविजन से और हिंदी में फैन फॉलोइंग मिली है, तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू। आपको आसिम की जर्नी में कौन सा मोमेंट अच्छा लगता है? आसिम की जर्नी में आई थिंक अच्छा है, मोटिवेट तो किया है आसिम ने भी, अपने फैंस नाम बना दिया, जिस जो बेनाम था, जिसका जो गुमनाम था, इसका कोई नाम नहीं था, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी मोटिवेशनल जर्नी है उसकी भी ठीक है, अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि वो अपने घर से बहुत टाइम पहले निकल चुका था और काफ़ी वक्त अकेला रहा है बॉम्बे में, तो ठीक जर्नी है उसकी, अच्छा है जो भी है, ऑल द बेस्ट। और फैंस का ये कहना है कि सिद्धार्थ तो नॉन फेस थे, आसिम वो मिल जाएंगे सर हाँ मैं वही वापस पूछ रहा था, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया कि सिद्धार्थ तो नॉन फेस थे, आसिम को तो कोई जानता नहीं था। अच्छा, तो अब इतना लोग जानने लगे हैं, कितना लोग, तो उसका क्या करना क्या है, जानने लगे अच्छी बात है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शो से निकलने के बाद इसको कैसे लेता है। अगर उसका थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर तो आने में टाइम नहीं लगेगा मेरी जान, लेकिन अगर उसका दिमाग थोड़ा कंट्रोल रहा, उसको लगा कि नहीं भाई अभी एकदम राइट तरीके से चल रहा है एंड आई नीड टू बी हम्बल, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और बड़ा एकदम नॉर्मल होकर के मुझे कुछ करियर बनाना है, उसका फायदा है यार, अच्छा मतलब सर नहीं चढ़ जाए जो स्टार्टअप वो स्टार्टअप सर गए तो नीचे आने में टाइम नहीं लगता भाई, बड़े बड़े आए निकल गए। बट आप ये जर्नी को कैसे देखते हो कि एक एक सादा सिंपल सा लड़का जिसको कोई जानता नहीं था, सादा सिंपल नहीं भाई, वो सादा सिंपल किसने बोल दिया भाई, वो मुझे तो नहीं लगता आसिम रियाज बड़ा सादा और सिंपल लड़का, सादा सिंपल नहीं लगता है, उसके अंदर है एरोगेंट मतलब लड़का, उसने शुरुआत में बोला भी था भाई थोड़ा एटीट्यूड रखना भी पड़ता है, ज़रूरी है, तो अभी बच्चे हैं भाई लोग, अभी ठीक है, अभी दिमाग अच्छा रहेगा तो बढ़िया है उसके लिए, अगर दिमाग ख़राब कर लिया तो बड़े बड़े आए और किधर चले गए पता नहीं चलता, तुमको तो पता है यार, तुमने तो सारे सीजन देखे होंगे बिग बॉस का, अभी बिग बॉस के घर में 6-6 लोग हैं, लेकिन बिग बॉस का फिनाले का नाम आ रहा है तो या तो आसिम या सिद्धार्थ, तो सना है, रश्मि है, आदमी है, सना मेरी फेवरेट है, सना जो है, शनाज जो है मेरी फेवरेट है, और उसके भाई के साथ मैं कुछ इंटरव्यू दे रहा था कुछ दिनों पहले, शहबाज के साथ, बड़ा मज़ा आया यार, भाई भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं उसको बोला भी कि आई थिंक यू शुड गो इन बिग बॉस 14, वी सेड यस संतोष भाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड और मैं पूरी कोशिश करूँगा, जान लड़ा दूंगा, कैसे उसको कलर्स ऑफर कर देगा, बस वो 2-4 दिन में ही उसको तैयारी अंदर जाने की, जिस किस्म की वो फिटनेस और जिस किस्म की उसकी मस्ती निकल के आई थी बहुत अच्छा था। तो शहनाज गिल जो है वो बहुत कमाल के एंटरटेनर है और बहुत कम ऐसा होता है कि एक आम और वो भी दावेदार, बड़ी स्ट्रॉन्ग दावेदार से आवाज़ की मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी और का नाम ले लूँ, ऊपर तो आता है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ, शुक्ला बाबू का ही नाम आता है, कोई कमेंट में वो भी कह रहा है कि एस लगा हुआ है तो क्या आप सिद्धार्थ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एस लगा हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है, यस लगा हुआ है एक्चुअली, यस सिद्धार्थ शुक्ला इज गोइंग टू बी अ विनर ऑफ बिग बॉस 30, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उसके साथ, क्योंकि यार अभी पता क्या हो गया कि ये सीजन बड़ा हिट हो गया, सीजन इतना हिट हो गया कि जॉन सिन्हा ने अपने पोस्ट पर आसिम को सपोर्ट किया है, माल है यार जॉन सिन्हा आजकल कुछ कर ही नहीं, क्या फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आ रही है सर उनकी मूवी आ रही है, शायद मूवी के प्रमोशन में शायद आसिम दिखाता है बॉडी, बॉडी दिखाता है, तो चलो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी ये होता है ना कि ये बाल कटने वाले हैं अभी गिन लेना कितने, तो अभी ये शो खत्म होगा उसके बाद हवाएं आएंगी कि इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, उसने वो एक्शन फिल्म साइन कर ली, उसने वो रोमांटिक फिल्म साइन कर ली, अरे ऐसा हो गया, अब वो मैं देखना चाहता हूँ 2 साल बाद कौन किसने क्या किया, क्योंकि क्या होता है अमूमन लोग ना भटक जाते थे सर, मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं किसी और की बात ही नहीं करता, मैं अपने ऊपर लेता हूँ ना, मैं खुद बिग बॉस से निकल रहा था, भटक गया था, मेरे को बहुत सारे टेलीविजन शोज लीड में होते थे, वेरी बिग कॉस्ट्यूम ड्रामाज, बट मैं उस वक्त मैंने फिल्म साइन की सलमान भाई के साथ जय, मुझे लगा नहीं यार अभी तो फिल्म लग रहा हूँ, आई शुड नॉट टेलीविजन नॉट एट ऑल,
तो आई थिंक दैट वाज माय रॉन्ग डिसीजन. आपको बैलेंस करना चाहिए टीवी और फिल्मों में से, और यू शुड ट्राई टू ग्रैब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, ट्राई टू ग्रैब ऑल. इनफैक्ट इज बिग बॉस बायस और नॉट एट ऑल? कौन बोलता है यार? नो मतलब बायस, बायस मीनिंग के सिद्धार्थ को काफी छूट दिया गया है. सिद्धार्थ की कोई गर्लफ्रेंड है. ये जो लोग बोलते हैं कि बिग बॉस बायस है, वो खुद और उनको उठा के फेंक बाहर बोलता है. सो रमेश कोई बायस वायस, ये कुछ कौन अपने मन से कुछ भी निकाल मत दो. बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी क्रिएटिव टीम होती है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ है बढ़िया है. ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत बढ़िया शो है और बहुत कायदे कानून से बनता है. और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार इसको होस्ट करता है सलमान खान, तो वो खुद भी अलाउ नहीं करेंगे कि किसी भी तरह की कोई चीटिंग हो, क्योंकि उनकी डिग्निटी, उनकी इमेज, उनका स्टेक लगा हुआ है इसमें, उनका इतना बड़ा नाम इसमें लगा हुआ है. कहीं भी कुछ होता है सबसे पहले तो आपको पता है ना कि हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है सबसे पहले कोई भी चीज़ सलमान खान से जुड़ी हो पकड़ के पीछे लगती है. तो वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी बायस नहीं है. मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला खुद में उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है यार, वो तो इतना बड़ा स्टार है टेलीविजन का, बहुत इतना काम किया हुआ. तो मुझे लगता है कि शायद शुक्ला जो है वो डिजर्व कर रहे थे. तो फिर वोटिंग हो रही है ना यार, अब कल को कोई बोलेगा वोटिंग भी फेक है, कौन काउंट कर रहा है जाकर के, कौन देख रहा है कहाँ हो रही है वोटिंग, हमें दिखाओ कितने लोग बैठ के वोटिंग काउंट कर रहे हैं, कितने वोट आ रहे हैं हमको बताओ, हम देखेंगे क्या हो रहा है. वैसा है ना यार, ऐसे बातें निकलेंगी तो फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी. आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल. महेश यू आर फ्रॉम वायर बॉलीवुड और तुम दिन में हज़ार लोगों से मिलते हो सब इंडस्ट्री के, उनको पता है ना आप लोगों से कोई चीज़ छिप सकती है? आपको ऐसा लगता है छिपेगा? बिकॉज मीडिया इज यू नो आई थिंक द बादशाह, असली बादशाह मीडिया है. आज मीडिया बना देगा संतोष शुक्ला को, मीडिया गिरा देगा संतोष शुक्ला को. आज अगर आसिम के इतने फैंस हो गए, वेरी गुड, उसने अपनी मेहनत की है शो के अंदर. सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन यार वो फैंस ना, वो तुम लोगों का बहुत बड़ा हाथ. तुमको लगता है अगर ये शो बायस होता तो तुमसे छुप पाती कोई भी चीज़? तुम अपने कैमरे, एक कैमरा इधर लेके आए मेरे पास, दूसरा किधर होगा, तीसरा बिग बॉस के सेट के पास परमानेंट लगा के रखा होगा, छोटे देखना उधर क्या चल रहा है, पता ना चले कुछ गड़बड़ चल रही तो अपने को देना सबसे पहला ब्रेकिंग न्यूज. एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, करेक्ट तो वैसे ही है भाई. तो रमेश यार, चलो सर, सिद्धार्थ और आसिम की और सना की बात तो हो गई, बाकी और तीन लोग भी घर में. आरती, आरती तो मेरी फेवरेट है यार, और मुझे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, हम मुझे अपनी ज़िंदगी में आरती जैसी बहुत अच्छी. रश्मि देसाई, रश्मि देसाई तो अच्छी है, टेलीविजन में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा है. बिकॉज रश्मि का बता दो जीतने के, मेरे दिमाग में जो अगर एक आता है कि रश्मि भी बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार है जीतने की, रीज़न बता देता हूँ. वो रीज़न ये है मेरी जान कि रश्मि ना बींग अ फीमेल उस लड़की ने नेशनल टेलीविजन पे अपने रिश्तों की धज्जियाँ उड़ते हुए देखी. जिस किस्म की उसके ऊपर लांछन लगाए गए ना, उसके घर की चाप आराम जैसा एक निकलती उसकी जिंदगी, उसके बाद इतना झूठ और उसको कितना प्रताड़ित कर देना कि तुम तो यू आर गुड फॉर नथिंग, आई आर यू इन शो आई डोंट. तो वो सब कुछ झेलने के बाद ना, वो टिकी हुई लड़की पहले कभी धीरे धीरे से निकलती है, कभी भप करके सामने आती है, कोई धीरे धीरे जाती है, फिर एकदम भबाक करके निकल के आती है. लगता नहीं यार रश्मि में बात है, रश्मि जो है बड़ी टैलेंटेड है, रश्मि बड़ी पावरफुल है. मैं बोल रहा हूँ ना, रश्मि इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंटेड फॉर बिग बॉस ट्रॉफी. अच्छा एक और सवाल आया सर, प्लीज़ बता दो, रूमर है कि क्या, रूमर है कि नहीं, सलमान डिड नॉट वॉन्ट सिद्धार्थ टू विन, क्या ये बात सच है? No, no, it is not like that, yaar. Why will Salman bhai interrupt in that? Salman bhai is a pure soul, yaar. He is not at all biased. वो बेचारे होस्ट करते हैं शो को और बस उतना ही उनका इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज़ से पैसे लेते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ख़त्म हो गए बात. अब कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है ये उनको कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना सिर्फ उतना ही है कि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ, उनको कुछ अच्छे लगते हैं कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, विच इज़ फेयर एनफ आई थिंक. सो बिल्कुल भी सलमान भाई कोई भी, मुझे नहीं लगता कि उनका किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा या इंटर करेंगे वो इस चीज़ में कि लोगों के दिमाग में बिल्कुल गलत ख्याल है. इसको डिलीट कर दो अभी क्या. अच्छा और एक सवाल है कि सिद्धार्थ, नहीं नहीं यार ये सब र्यूमर्स है, राधे की शूटिंग ख़त्म हो गई है और ये लास्ट शेड्यूल है आई थिंक.
कुछ थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी है, कुछ गाने होंगे तो होंगे। और मतलब रूमर है सिद्धार्थ नहीं कर रहा है, सिद्धार्थ इज नॉट इन राधे, राधे में नहीं है सिद्धार्थ, कंफर्म कर रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है, राधे में काम नहीं कर रहे हो। बट ये है कि आने वाले वक्त में कहीं कुछ ऐसा कॉन्क्रीट कुछ उनके लिए अच्छा होगा तो जरूर सलमान भाई उनको मौका देंगे। आई थिंक उनको देना भी चाहिए, जब संतोष शुक्ला को दिया है तो सिद्धार्थ शुक्ला को भी दो, एजाज खान को भी दो, मेरा दोस्त है। सबकी बात हो गई, पारस छाबड़ा और माहिरा की बात नहीं, आबरा कडाबरा राइट बोलो। तो वो दोनों, वो उन दोनों का क्या रोल है सर, अभी फिनाले आने को है? मेरा बाहर आ गई क्या? सब थिंग्स नीड टू बी सीक्रेट। माया यार अच्छी लड़की लगी मुझे, बड़ी सीधी लगी वो, और पारस ठीक ही है, पारस ने थोड़ा सा अपना गेम खराब किया था, अदरवाइज बहुत स्ट्रांगली अभी वो, देखो वो दिमाग उसका अच्छा है। मैंने आपकी चैनल में बहुत पहले बोला था पारस छाबड़ा का ब्रेन अच्छा है, वो उसका ब्रेन अच्छा है, वो निकाल के ले जाएगा काफ़ी लंबा। अभी लंबा क्या मतलब, दो दिन बाद फिनाले है, अब फिनाले के दो दिन पहले, तीन दिन पहले, एक हफ्ते पहले भी जो बाहर निकला ना, मेरे हिसाब से सब विनर थे। सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि, आसिम, पारस, मायरा, शहबाज गिल, ये सबके साथ विनर है। इनमें से ट्रॉफी किसी एक को मिल जाएगी, अनफॉर्चुनेटली वो एक रूल है और वो उसको निभाना पड़ रहा है, बट ये सारे के सारे विनर हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं इसमें से कोई एक विनर नहीं है, विनर वो है, ट्रॉफी उसको मिली है, तो सॉरी रमेश यार, इतना झेलना, इतना अंदर इस किस्म की प्रताड़ना को झेलना, इस किस्म का इस बदतमीजियों को टॉलरेट करना, आपकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट्स जा रहे हैं और सारा सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आप वहाँ टिके रहे और निकाल के ले गए, एंड यू आर बीइंग फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी इनसाइड हाउस, देन आई थिंक एवरीबॉडी इज अ मास्टरमाइंड, किसी एक को मास्टरमाइंड का खिताब दे भी नहीं पाऊंगा। के लास्टली आप क्या अपील करना चाहोगे सिद्धार्थ के लिए? अब ऑफकोर्स यार मैं अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता और आवाम से, मैं संतोष शुक्ला ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया फिनाले आ गया है, दो दिन बचे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला को जिताना है सर, थोड़ा जोर से प्लीज फिर से करें एक बार सर, थोड़ा जोर से, लोग बोल रहे कि आवाज नहीं आ रही है, वहाँ नहीं आ रही आवाज, ओके। सो मैं संतोष शुक्ला हिंदुस्तान की जनता और आवाम से ये अपील करता हूँ, फिनाले करीब आ गया है बिग बॉस 13 का, माय एंड सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि इस शो का विजेता वही है मेरे हिसाब से, और ट्रॉफी अगर उसको नहीं मिली थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, तो बम भोले का नाम लेकर तो मुझे 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 ऐसा लगा कि आप कहने वाले कि अगर उसको ट्रॉफी ना मिली तो फिर देखना अगर सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रॉफी नहीं मिली तो शुक्ला तोड़ देगा रख करके, याद रखना बाबा। सर ऐसा मत करो, हमारे फैंस हमारे फैंस किधर है, मैं आसिम के फैन नाराज हो जाएंगे, सिद्धार्थ के फैन नाराज हो जाएंगे, तो संतोष शुक्ला के फैंस कहने भूल रहे हैं कहीं नुक्कड़ पर। तो क्या लगता है बॉलीवुड के स्टार्स के फैंस का क्रेज ठीक है, पर बिग बॉस के आपस में है यार, वो शो ही ऐसा है यार, वो फॉर्मेट ऐसा है, उनको लगने लग जाता है ये हमारा आदमी है, इसको तो हम दांत मांजते, नहाते धोते, खाते पीते, सब कुछ करते, हम देखते, ये हमारे फैमिली का मेंबर है, सो इसलिए वो इमोशन आई थिंक साइकोलॉजी वही है, तो वैसे ही ये लोग इनको भी लेने लग जाते हैं, फिर वो चाहे सिद्धार्थ हो, आसिम हो, सना हो, कोई भी हो, वो इमोशनली जुड़ जाते हैं भाई, मेरे को ऐसे लगता है। सो दिस इज द रीज़न। लास्टली योर फैंस, अब तो सिद्धार्थ के फैंस, लास्टली आप क्या कहना चाहोगे? और ऑफकोर्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला को इस शो का विजेता होना चाहिए, सो जाओ और सिद्धार्थ शुक्ला को वोट करो, प्लीज वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला, ही डिजर्व्स। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू मेरी जान, ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रो स्टॉप, अच्छा मम्मी ठीक है, बड़ा मैं काम कर रहा हूँ भाई, क्या हुआ, लाइट चले गए ना, अभी वीडियो वाइट।